हे गाइस, आप देख रहे हैं दीप सीरीज़। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो में हेल्थ रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे। आप ये तो जानते ही हो कि अगर हेल्थ ठीक ना रहे तो हॉस्पिटल का राह देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप लोग ये तो जानते ही हैं कि हमारे शरीर में हमारी बोन्स, हड्डियों का कितना बड़ा रोल है। जैसे कि हमारे शरीर में 206 बोन्स होती हैं, तो इन बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए फास्फोरस बहुत अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा हमारे टीथ, दांतों को स्ट्रॉन्ग रखने में भी ये हमारी मदद करता है, और तो और हमारी किडनी को भी सही रखने के लिए ये हमारी मदद करता है। और आप ये तो जानते ही होंगे कि किडनी का हमारे बॉडी में कितना बड़ा रोल होता है। इसके अलावा ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सही रखने में भी हमारी हेल्प करता है, जिससे आपकी बॉडी फिट रहती है और मेटाबॉलिज्म सही होने से बॉडी का वेट भी सही रहता है। तो अगर फास्फोरस की मात्रा सही नहीं होगी तो हमको बोन्स, टीथ, किडनी रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो अगर बात करें कि फास्फोरस कहाँ से ले सकते हैं, तो वेजिटेरियंस फ्रेश वेजिटेबल्स, पम्पकिन सीड्स, ग्राउंड मस्टर्ड सीड्स, नट्स जैसे कि ब्राज़ील नट, आलमंड, पीनट बटर, सन ड्राइड टमेटोज, ज़्यादातर लोगों के फेवरेट पॉपकॉर्न्स और टोफू, इन सब से फास्फोरस को प्राप्त कर सकते हैं। नॉन वेज लोग फिश, चिकन वगैरह से फास्फोरस ले सकते हैं। पर हाँ, कुकिंग के समय ऑयल कम यूज़ कीजिए। और वीगन्स की बात करें तो उनके लिए भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं फास्फोरस को लेने के लिए। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार बच्चे काफ़ी देर से चलना स्टार्ट करते हैं, तो उनमें फास्फोरस या फिर कैल्शियम की कमी के कारण ही ये होता है। पर अच्छी बात यह है कि इसको लेने के लिए काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। पर अगर फिर भी फास्फोरस की मात्रा पूरी ना हो तो हम बाज़ार से काफ़ी सारी मेडिसिन भी इसके रिलेटेड ले सकते हैं। तो वीडियो में अब आपको फास्फोरस की अहमियत के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए, स्ट्रॉन्ग रहिए। तब तक हम मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ।